अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम जो हो रहा है ना, तकरीबन बज गए हैं 5, बज गए हैं 5:55, तो 5 बज गए। तो हम आए हुए हैं पिशावर, तो अभी हमने जाना है इंशाल्लाह ताला सवाद की तरफ। तो नाश्ता करने के लिए अभी आए हैं होटल पे। नाश्ता करने के इंशाल्लाह आधा घंटा बाद हमें निकल जाना हाँ, है। इंशाल्लाह ताला तकरीबन 5:30 तक निकलेगी गाड़ी। तो अभी नाश्ता ऑर्डर कर दिया, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं यहाँ से। जियो भाई जान, हमको भी लाओ इवरी में आरियो में, फिर हमको मंगे छह पराठा अंडा मलाई। अल्लाह हाथ का आया अंडा मेरे कौन के लाला की चम्मच नहीं खा गया। अल्लाह फाड़ आ कितना बा हो जाएगा, हो जाएगा। इसे मिक्स करते रहो। ये यार नहीं समझ आई ना, फिर मिक्स हो गया। कल शाम 6 बजे से हम चले हैं घर से, तो अभी सुबह के 5 बज गए हैं, तो कुछ भी नहीं खाया। तो अभी नाश्ता भी हमारा आ चुका है, नाश्ता कर लेते हैं। ये है जी यहाँ का पराठा, और ये आ गया हमारा आमलेट। आमलेट नहीं है, फ्राई अंडा, फ्राई अंडा। अभी कर लेते हैं नाश्ता। चले जी गाइस, नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अच्छी तरह से वेट वगैरह बढ़ लिया हमने। तो अभी देखते हैं स्वाद को जो बस जा रही है, अभी रेडी है कि नहीं जा रही। सर्दी बहुत हो रही है यहाँ पे। बस कितने बजे जानी यार? 6:30। अभी टाइम 5:15 है जी। अंडे गरम अंडे, चलो फिर बनाओ चार चावा। चार चाय, चाय 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 लिप्टन ही तो है। जीने का मजा पी लीजिए जनाब। अभी पी लेते हैं यहाँ से चाय। चूल्हा लग रहा है अंदर रखा है ना, पट्टी बाली है, पट्टी है कि चूल्हा रखा हुआ इसके नीचे? चूल्हा है। चाय भी बन गई है, चाय पी लेते हैं। वो ये चीज़ है जो पानी पीने लगी हाथ। अगर आज तो वाला पानी पी जावे ना, अगर आज ये वाला पानी पी ले तो तुम्हें ना जो मैं कुछ भी नहीं दो। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा गल मैं, हाँ गल मैं पूरी कर देना, गल मैं पूरी कर देना। अगर आपने ये वाला पानी पी लिया तो मतलब तुम्हारे ट्रिप के एक तरफ के जाने का खर्चा देगा। तुम्हें कुछ बोल ला। चलो पी लो चाय, चाय पी लो चाय। चले जी गाइस, चाय भी वगैरह भी पी ली है, तो अभी चलते हैं लड़ी अड्डा। लड़ी अड्डा जो पास ही आ गया, तो देखते हैं अभी बस हमें मिल जाए टाइम से, हम सवाल पहुंचे, फिर आगे कलाम भी जाना है। तो अब मुझे लग रहा है कोई 11-12 बजे तक हम पहुंचेंगे। अभी थोड़ी सी ठंड है ना यहाँ पे, कम लग रही है कलर का, हर बहुत ज्यादा ठंड है अभी, थोड़ी सी कम है। ये गाड़ी भी लग चुकी है सवाद के सामने, तो हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है, तो वहाँ से अपने बैग वगैरह भी उठा लेते हैं और इस बस में बैठ जाते हैं, और ये जाएगी सवाद तक इंशाल्लाह ताला। बैग वगैरह ले लिए हैं, तो अभी बैठते हैं अपनी अगली वाली बस पे और निकलते हैं इंशाल्लाह सवाद के लिए। तो देखते हैं किस तरह के मंजर जो हमें यहाँ इस रस्ते से देखने को मिलते हैं। वैसे तो तकरीबन 10 साल पहले हम गए थे मालाकंड पहाड़ियों की तरफ से, तो इस बार फिर इंशाल्लाह मालाकंड की पहाड़ियों की बता रहे हैं कि वहाँ से जाएंगे, देखते हैं किस तरह का सफर होता है। चले ये सामान वगैरह हमारा रख हो गया है।
ਕਰੇ ਬੜੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਹੋ ਗਈ ਬੁਰੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇਰੀ ਸੁਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਹੈ ਰਾਟੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਗਿਆ मालागढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं तो अभी यहाँ से 2 घंटे का और सफ़र रहता है अभी यहाँ से तो धूप फाइनली निकल आई है तो अभी जो बस है अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है यहाँ से सवार जो है शुरू हो चुका है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोरूम जो है नज़र आएंगे अभी इधर भी गुजर गया है दूसरी साइड पे भी आ रहा है और ये फिर आ गया बड़े बड़े शोरूम है और गाड़ियों से बड़े बड़े तो यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ ना बहुत सारी चलती हैं तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरूम है यहाँ पर शोरूम गिनना स्टार्ट करें तो पता नहीं गिनती ख़त्म हो जाएगी एक शोरूम आ गया चेक करें कितना बड़ा शोरूम है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा गाड़ियाँ 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 एक हो गया दो हो गया तीन हो गया ये चार हो गया पांच हो गया इधर छः हो गया इस तरह ये आ गया सात बहुत ज़्यादा है यहाँ पे शोरूम में गाड़ियाँ गाइस फाइनली जो है मैंगोरा जो है वहाँ पहुँच चुके हैं तो अभी डिसाइड करते हैं आगे कहाँ जाना है मालव जब्बा जाना है कि कलाम जाना है कि वापस मरी जाना है कि वापस घर जाना है तो अभी देते हैं तो अभी टाइम जो हो रहा है तकरीबन 10:30 हो गए 11 बजने वाले मेरे ख्याल 11:15 हो गए तो अभी देखते हैं कहाँ जाना है ये वैसे मैंगोरा का लाड़ी अड्डा है लाड़ी अड्डा का लेंगे जीटीएस का ले और प्लान पता की करना बैग सारा ही गिला हो गया बैग गिला हो गया हां वो कितना पता नहीं इसने वॉशरूम कर दिया अंदर सारे गिला हो गया कपड़े भी गिले नहीं शुक्र ऊपर अपर रखा है सी अपर का दूसरा बच गया वा देखते हैं 5 मिनट इधर धूप लग पीछे हो यो चाचू जी धूप लग गया 5 मिनट अभी पता चला कि जो मालव जब्बा का अड्डा है ना तो वो साइड पे है तो ये कोई और अड्डा है मालव जब्बा की जो गाड़ी है वो किसी दूसरी साइड से मिलेगी तो वहाँ से जा रही है कह रहे हैं कि नॉर्मल किराए पे तो यहाँ से जाती है स्पेशल गाड़ी तो यहाँ पे महंगी पड़ेगी वहाँ से सस्ती पड़ेगी तो अभी वहाँ से जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है चले जी गए रिक्शे में बैठ गए तो अभी जाना है यहाँ से पत्नी अड्डा कौन सा अड्डा कहते हैं तो वहाँ से मिलेगी बालक जब्बा की गाड़ी जो कि लोकल जाती है तो उसके अंदर बैठ के जाएंगे पहुंच गए हैं अड्डा पे तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी गाड़ी जा रही है मालन जब्बा को और क्या रेट चल रहा है किराए का वैसे तो जो हमें बताया गया तकरीबन 200 बताया गया यहाँ से पता करते हैं 300 ओके 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 अलग अलग तो यहाँ से देखते हैं वैसे वो ऊपर तक गाड़ियाँ हैं चले गए अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं तो अभी इंशाल्लाह ताला सवारियां पूरियां करते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह ताला सामने बर्फ बड़ी काफी ज्यादा सामने बर्फ वो सामने बर्फ सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है मैंने अभी खिड़की खोली मेरे हाथ जम गए हैं
अभी हम यहाँ पे रुके हैं वाशरूम वगैरह के लिए, तो अभी 10 मिनट का रास्ता हो रहा है ऊपर बालम जब्बे का, और हाथ जो है सुन्न हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ था तो हाथ सुन्न हो रहे हैं। तो अभी मैं गाड़ी के बोनट से जो अपने हाथ है वो गर्म कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी जो बर्फ़ था वो तो पिघल चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी सी बस आसार ही हैं बर्फ़ के, तो अब भी आपको दिखा भी दिया मैंने, पड़ी हुई है बर्फ़ हल्की हल्की सी। अभी एक पॉइंट देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो, तो वहाँ पे चलते हैं। दस्ताने वगैरह निकाल लो, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, फिर भी सर्दी लग रही है, तो मैंने मफलर जो है अपना निकाल लिया है, तो बहुत सर्दी है। तो अभी जो बर्फ़ वाला पॉइंट है तो वो काफ़ी दूर है, वहाँ का ले रहे हैं 3-4 हज़ार रुपया किराया, तो देखते हैं डिसाइड करते हैं वहाँ जाना है कि नहीं जाना। लेकिन सर्दी बहुत, भाई का काल ही थी, भाई भी कह रहा था कि मालम जब्बा में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, भाई आए थे गर्मियों के वक्त, आज तो फिर भी सर्दी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। पानी में भी बर्फ जमी हुई है, वो चक्कर है। पहुंच गए हैं मालम जब्बा, तो पीछे जो ऊपर बर्फ काफी ज्यादा पड़ी है वहाँ पे जा रही है लिफ्ट, तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।